नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गोक्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा, और आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मल्टीपल क्लाइंट्स का ट्रेड आपके प्लेटफॉर्म से हो जाए और आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस में एक साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं। एल्गो ब्रिज का प्लेटफॉर्म आपको ये सब करने में मदद करेगा। मैं आशा करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ पाएँ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एल्गो ब्रिज की वेबसाइट है, और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देता है। जब आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर मैं आपको लॉग आउट करके दिखाता हूँ, तो जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं तो आपको जो अकाउंट मिलता है वो यूज़र का अकाउंट होता है, और यूज़र के अकाउंट में और मास्टर के अकाउंट में एक फ़र्क होता है कि मास्टर के अकाउंट से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अपने यूज़र्स का, जिनकी आपको ट्रेड करनी है ऑटोमेटिकली कॉपी करनी है। ठीक है, जिनके अकाउंट में आप ट्रेड कॉपी करना चाहते हो उनके अकाउंट आप यहाँ से क्रिएट करते हो। जो भी आप क्रिएट करते हो वो आपको यहाँ दिखते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पर माई क्लाइंट में जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से लोगों ने आपका टोकन लिया है, कौन कौन से लोगों ने टोकन नहीं लिया है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि एक क्लाइंट ने मेरे टोकन लिया, बाकी ने नहीं लिया है, तो अभी मैं जो ट्रेड करूँगा वो सिर्फ एक ही क्लाइंट के अकाउंट में जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में आके बिकम अ मास्टर पे क्लिक करना होता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 2000 रुपीज़ का एक वन टाइम अमाउंट पे करना होता है और आप मास्टर बन जाते हैं। उसके बाद आप अनलिमिटेड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट जो भी ऑप्शन आ रहा है आपको क्रिएट यूज़र्स का, उससे आप क्रिएट कर सकते हैं, और पर यूज़र का आपको मंथली चार्ज देना पड़ता है, जो कि आप हमें कॉल करेंगे, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये तो था किस तरीके से होगा। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ऑथेंटिकेशन में मेरा जो ब्रोकर है मैंने सिलेक्ट किया है वो है एंजल ब्रोकिंग का। मैंने यहाँ पर अपना आईडी डाला है, पिन डाला है, और TOTP डाल के सबमिट करके जनरेट टोकन किया है। तो जनरेट टोकन के बाद आप वैलिडेट टोकन करके चेक कर सकते हो कि आपका टोकन वैलिड है या नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप मेरा टोकन वैलिड बता रहा है। अब मुझे करना है ट्रेड ऑप्शन में, तो मैं यहाँ राइट साइड में मेन्यू पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन चेन आता है। अभी ऑप्शन चेन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन चेन का डेटा खोल देगा। आप देख सकते हो इस तरीके से ऑप्शन चेन का डेटा आ रहा है। अब यहाँ पर जो स्ट्राइक्स आ रही हैं वो 17,000, 17,000, 50, 300, 400 अलग अलग आ रही हैं। मान लीजिए आप 17,000 की यहाँ पर 400 की कॉल लेना चाहते हैं, और 17,250 की, या 17,000 नीचे भी जाके अगर आप करना चाहते हैं 17,600 की पुट लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 17,300 की कॉल बाई करी और 17,000 मान लीजिए 400 की पुट बाई करी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर आपको दिखेंगी चार अकाउंट में इस तरीके से। ये चार चार क्वांटिटी आपकी, MIS करना है, नॉर्मल करना है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, जो भी आप करना चाहें कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको प्लेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस करोगे आपके चार के चार ऑर्डर यहाँ पर चले जाएंगे। मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो चार यहाँ पर, एक एक ये अकाउंट है, इसमें अकाउंट में ट्रेड गया है जीरोधा का, और एक मेरे एंजल के अकाउंट में ट्रेड गया है। ठीक है, जीरोधा और एंजल दोनों अकाउंट्स में ट्रेड गया है। ब्रोकर के आप ऑर्डर हिस्ट्री में देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये आपको चार ऑर्डर्स यहाँ पर दिखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चार ऑर्डर एक ही टाइम पे लगे हैं, रिजेक्ट हो गए क्योंकि मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है कि मैं आपको चारों के चारों में ट्रेड करके दिखा पाता। तो दोस्तों इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि किन किन अकाउंटों में यहाँ पे ट्रेड गया है। तो मल्टीपल ट्रेड्स आप मारना चाहो, अलग अलग क्लाइंट्स के एक साथ मारना चाहोगे तो भी यहाँ पर लग जाएगा। सिंपली आपको दोबारा से बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है ऑप्शन चेन में। वहाँ पर आपको जिस पे भी क्लिक करना है, ओवर करते ही आपको कहीं पे भी ओवर करेंगे आपको बाय सेल के बटन दिखेंगे। ठीक है, बाय और बाय के बटन पे क्रैश कर सकते हो। सिंगल ट्रेड करना है तो सिंगल, या फिर मल्टीपल ट्रेड करने से, यहाँ पे आपको मल्टीपल ट्रेड्स करने हैं तो इस तरीके से मल्टीपल आप सिलेक्ट करेंगे। ये आगे मल्टीपल, जैसे ही बाय का प्रेस करेंगे सारे के सारे अकाउंट्स में ट्रेड चला जाएगा। यहाँ से आप कोई हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन का ट्रेड होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। अगर आप, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मास्टर अकाउंट यूज़ नहीं करना चाहते, आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं, आप खुद का अकाउंट मेंटेन करते हैं, तब भी आप हमारे प्लेटफॉर्म के इस वाले फंक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। आपको कोई पैसे नहीं देने, आप सिंपली अपना ब्रोकर यहाँ पर अटैच करेंगे, और अपना ब्रोकर अटैच करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन चेन में जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन चेन सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सपायरी भी आप चाहो तो अलग अलग सेलेक्ट करनी, तो अलग अलग एक्सपायरी भी सिलेक्ट करके उसके हिसाब से भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। कोई भी बाय या सेल का प्रेस करोगे, करने के बाद ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके अकाउंट में चला जाएगा।
अगर आप मास्टर अकाउंट यूज़ करते हो तो आपको मास्टर अकाउंट के लिए क्लाइंट्स का पे करना होगा, जितने भी क्लाइंट्स का आपका ट्रेड कॉपी होगा उनके लिए। तो कॉपियर के लिए आपको पेमेंट करना है, अगर आप खुद से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर आप मार्केट वॉच में जाके खुद की मैनुअल ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जो भी आप ट्रेड करोगे आपके अकाउंट में डायरेक्टली चली जाएगी। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा उसको देखने में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई आपको क्वेरी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में और आपको दिखाता हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।